हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा अगर आपके YouTube स्टूडियो में यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस का वास्ट टाइम नहीं अपडेट हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन करना है। उसमें यहाँ पे आपको टाइप करना है www.youtube.com, एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आना है जहाँ पे आइकन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। मैंने इसमें साइन इन किया हुआ है अपने अकाउंट से, तो आप इसमें पहले साइन इन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है कस्टमाइज चैनल पे, और आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। आपका YT स्टूडियो का डैशबोर्ड है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 वीडियोस डाली हुई हैं, अभी ही डाली हैं कुछ, 22, 24, 20 को। तो अब आपको एनालिटिक्स पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओवरव्यू, रीच, एंगेजमेंट, ऑडियंस का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपको इस वाले यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यूज़, टोटल व्यूज़, वॉच टाइम दिखा रहा है आपको 2.8 आवर्स, और सब्सक्राइबर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका टोटल वॉच टाइम है YT स्टूडियो में। अब इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये 3 वीडियोस डाली हुई हैं, वो यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे इन वीडियोस को आपको अलग अलग टैब में ओपन करना है, जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसमें अब जैसे आप पहली वीडियो को अलग टैब में ओपन करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो का वॉच टाइम मुझे 1.1 आवर्स दिखा रहा है इस वाली वीडियो का, ठीक है। फिर सेकंड टैब में मुझे इसका भी 1.1 आवर है मेरा वॉच टाइम इस वीडियो का। थर्ड का अभी मेरा 0.4 है, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही डाली है इसलिए इस पर अभी इतना वॉच टाइम नहीं आया, ठीक है। आपको क्या करना है, तीनों का एडअप करके देखना है। अगर तीनों का एडअप आपके इस टोटल वाले जो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है इस टोटल के इक्वल आता है तो आपका वॉच टाइम ठीक से अपडेट हो रहा है। अगर ये इससे ज़्यादा आ रहा है आपका एडअप वाला और यहाँ पे कम दिखा रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सेंड फीडबैक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यूट्यूब वालों को अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, आई हैव लोडेड 3 वीडियोस येट दीज वीडियोस हैव, जितना टोटल टाइम है यहाँ पे जैसे मेरा 2.8 आ रहा है, आपका जो आ रहा है आप वो डालना, 2.8 आवर्स वॉच टाइम बट ऑन डैशबोर्ड इट नॉट बीइंग अपडेटिंग अपडेटिंग इट्स शो। जितना आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, आपको वो वाला डालना है। यहाँ पे आपको वो डालना है जो आपकी वीडियोस का सम अप करने के बाद आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो डालना है जो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 1.3 दिख रहा है, ठीक है, वो डाल देना है आपको। जो टोटल दिख रहा है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद काइंडली सोल
दिस इशू, इतना आपको टाइप कर देना है। आई हैव अपलोडेड 3 वीडियोज एट, दिस वीडियोज हैव 2.8 आवर्स वॉच टाइम, बट ऑन डैशबोर्ड इट बींग नॉट बींग अपडेटिंग, इट शोज 1.3 आवर्स, काइंडली सॉल्व दिस इशू। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने 3 वीडियो अपलोड करी हुई हैं लेकिन उनका वॉच टाइम जो है वो इतना आ रहा है, बट ऑन डैशबोर्ड, जो हमारा यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड है उस पर वो कम शो कर रहा है हमें टोटल, तो इस इशू को सॉल्व करें। ठीक है, इतना लिखना है आपको, और यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट है इस पर क्लिक करना है, और आपको इस विंडो को सिलेक्ट कर लेना है टोटल वाली को। ठीक है, इसको ढंग से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डन पे क्लिक करना है, ये हो गया, और यहाँ से आपको इसे सेंड कर देना है। ठीक है, मैं सेंड नहीं कर रहा क्योंकि मेरा जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। जैसे आप उसे सेंड करेंगे तो यूट्यूब वाले जब आपका फीडबैक देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम आ रही है, और इस प्रॉब्लम को वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।